तो देखिए क्या लाजवाब बनती है ये फूल मखानों की खीर। नवरात्रे आने वाले हैं और व्रत में सबका मन करता है कि व्रत के फलाहारी खाने के साथ कुछ मीठा हो जाए, तो ये मखाने की खीर आप नवरात्रों में तो खा ही सकते हैं। और ये मखाना खीर आपको इतनी पसंद आएगी कि आप नॉर्मली भी इसे ज़रूर बनाकर खाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। हाय फूडीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेस्टी फूड बाय विभा में। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं नवरात्रि स्पेशल बहुत ही डिलीशियस फूल मखाने की खीर। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरी किचन में बन रही है नवरात्रि व्रत स्पेशल बहुत ही डिलीशियस फूल मखाना खीर। तो मैंने गैस पर कढ़ाई रखी हुई है, गैस की फ्लेम ऑन है। अब सबसे पहले कढ़ाई में जाएगा 1 टेबलस्पून देसी घी। तो देखिए ये देसी घी है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। चलिए देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, फिर इसमें हम अपने फूल मखाने ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं देसी घी मेल्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें मखाना को रोस्ट करना है। तो मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 2 कप मखाने, ये है 1 कप और अब ये है 2 कप। तो टोटल हो गए 2 कप मखाने। तो चलिए कढ़ाई में मैंने 2 कप मखाने ऐड कर दिए हैं। हम इन्हें मखाना भी कहते हैं, इसे लोटस सीड भी कहा जाता है और फॉक्स नट्स के नाम से भी जाने जाते हैं ये। अब हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर मखानों को रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। बस मखाना जैसे ही क्रंची हो जाए तो समझिए ये रोस्ट हो चुके हैं, हमें इन्हें ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेती हूँ। हमें मखानों को लगातार चलाते रहना है जब ये रोस्ट हो रहे हों, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो मुझे लगभग 3 मिनट हो चुके हैं मखाना को रोस्ट करते हुए, ये रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। गैस की फ्लेम अब ऑफ कर देनी है इस टाइम पर। अब मैंने सेम वही कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम ऑन है। अब कढ़ाई में दोबारा जाएगा 1 टेबलस्पून देसी घी। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है, तो लगभग 1 टेबलस्पून देसी घी हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में। चलिए घी तो मेल्ट हो ही चुका है। अब कढ़ाई में जाएगा 1/4 कप काजू। आप देख सकते हैं मैंने काजू को 2 टुकड़ों में काट लिया है, ये टुकड़े कर लिए मैंने इसके, तो ये ऐड कर देंगे। ये 1/4 कप काजू लिए हैं मैंने, और साथ ही चला जाएगा 1/4 कप बादाम। बादाम भी देख सकते हैं मैंने चॉप कर लिए हैं इस तरह से, तो बादाम भी ऐड कर देंगे। चलिए काजू और बादाम ऐड हो चुके हैं। अब 1 से 2 मिनट के लिए हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है, और इन्हें लगातार चलाते रहेंगे। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। तो काजू और बादाम लगभग रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पर हम ऐड कर देंगे लगभग 1/4 कप किशमिश। बस अब आधे से 1 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता। जो मखाना खीर है उसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैं पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ, फिर इन्हें रोस्ट करके खीर में डालूंगी। तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इनका रोस्ट होने के बाद। बस आधे से 1 मिनट के लिए और रोस्ट करना है, फिर मैंने निकाल लूंगी एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और इन ड्राई फ्रूट्स को मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ हमें क्या करना है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाते हैं। अब देखिए ये मखाने हैं जो हमने रोस्ट किए थे, इसमें से मैं 1/2 कप मखाने निकाल लूंगी। ये देखिए ये 1/2 कप का मेजरिंग कप है, इसमें 1/2 कप मखाने निकाल रही हूँ। तो लीजिए मैंने 1/2 कप मखाने निकाल लिए हैं जो रोस्टेड वाले हैं, और इनको मैं साइड पर रख देती हूँ अभी। और ये मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार, तो इसे मैं आप खोल देती हूँ, और जो ये मखाने हैं ये हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे।
चलिए ये मखाने चले गए ग्राइंडिंग जार में। अब ये मैंने लिए हैं काजू करी 2 टेबलस्पून। ये वो वाले काजू नहीं है जो मैंने रोस्ट किए थे, अलग से मैंने काजू लिए हैं। इसको भी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। हमें इन सब का पाउडर बना देना है। अब देखिए काजू मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ, जो काजू का पाउडर है वो हमारे मखाना की खीर के फ्लेवर को एनहांस तो करेगा ही, साथ में हमारी मखाना की खीर को गाढ़ा करने में भी हेल्प करता है काजू का पाउडर। तो चलिए काजू भी ऐड हो गए। अब मैंने ये ली है हरी इलायची, ये साबुत हरी इलायची ली है मैंने 7 से 8, ये भी फ्लेवर को एनहांस करेगी। तो चलिए ये भी मैं ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ। ग्राइंडिंग जार में बंद कर देती हूँ और इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इसका फाइन पाउडर बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने मखाना, इलायची और काजू को पीस कर उसका फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया फाइन पाउडर बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा ये पाउडर तो रेडी है और बाकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। तो अपनी नवरात्रि स्पेशल बहुत ही डिलीशियस मखाना खीर बनाना शुरू करते हैं। तो मखाना खीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2.5 कप दूध, गैस की फ्लेम ऑन है। ये नॉर्मल फुल क्रीम दूध है जिसे मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया था, मैंने वही लिया है। ये आप देख सकते हैं दूध को पहला बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर दूध को लगभग 10 मिनट के लिए पका लेना है ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। और आप देख सकते हैं ये मैंने देखिए कुछ केसर के धागे लिए हैं जिसे मैंने 3 से 4 चम्मच गर्म दूध में भिगो दिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे जैसे दूध पकेगा केसर अपना कलर और फ्लेवर रिलीज करता जाएगा, तो हमारी मखाना खीर और भी टेस्टी हो जाएगी। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे बस क्या होता है कलर और खुशबू बहुत ही बढ़िया आ जाता है मखाना खीर में। अब दूध को 10 से 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और साथ साथ हमें बीच बीच में दूध को स्टर करते रहना है ताकि ये कढ़ाई के साथ ना लगे। तो मुझे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं दूध को पकाते हुए। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का गाढ़ा हो भी गया है। बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी हमें दूध को ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने जो ग्राइंड करके पाउडर बनाया है वो डालने के बाद भी दूध गाढ़ा होगा। तो बिल्कुल हल्का सा ही गाढ़ा करना है, हार्डली 8 से 10 मिनट के लिए ही पकाना है दूध को। तो चलिए अब दूध में चले जाएंगे हमारे रोस्टेड फूल मखाने, ये ऐड कर देंगे। और साथ ही चला जाएगा हमारा ग्राइंड किया हुआ पाउडर जो हमने जार में ग्राइंड करा था ना, ये सारा ऐड कर देंगे। एक बार इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो जो मैंने अभी पाउडर डाला है और जो मखाने डाले हैं ये दूध से अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम ऐड कर देंगे अपने रोस्टेड ड्राई फ्रूट, जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करे थे ये हम ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मखाना खीर को पकने देना है और बीच बीच में इसे स्टर करते रहना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे 5 मिनट हो चुके हैं मखाना खीर को पकाते हुए। अब इसी स्टेज पर इसमें जाएगी चीनी। चीनी मैंने ली है 1/4 कप, ये ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, बट इतनी मखाना खीर के लिए 1/4 कप चीनी इनफ है। अब बस हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है मखाना खीर को ताकि जो चीनी है वो डिसॉल्व हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी मखाना खीर है इसका कितना बढ़िया कलर आया है, देखने में कितनी यम्मी लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है, देखते ही मन कर रहा है जैसे फटाफट इसे बस खा लें। तो ये बहुत ही यम्मी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप नवरात्रों में ही बना के खाएं, नवरात्रि के तो ये स्पेशल है ही। वैसे भी जब मीठा खाने का मन करे तो ये बहुत ही डिफरेंट तरह की स्वीट डिश है, इसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो लगभग 1 से 2 मिनट और हो चुका है मुझे मखाना खीर को पकाते हुए, चीनी भी डिसॉल्व हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो ये मखाने हैं ना, इन्होंने जो ये फ्लेवर्ड मिल्क है ये एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब आप ये मखाना खीर खाएंगे और ये मखाने मुंह में आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा ये मखाने खाने का। तो इस मखाना खीर को तो ट्राई करना बनता है। तो लीजिए हमारी बहुत ही डिलीशियस और सुपर यम्मी नवरात्रा स्पेशल मखाना खीर बनकर रेडी है। गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी बनी है हमारी ये खीर। ठंडी होने के बाद ये हल्की सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारी बहुत ही स्वादिष्ट नवरात्रि व्रत स्पेशल मखाना खीर सर्व करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कुछ चॉप ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागों से गार्निश कर दिया है। आप चाहे इसे गर्मा गर्म सर्व करें या चिल्ड सर्व करें, दोनों में ही ये बहुत ही बढ़िया लगती है।
ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है खाने में उतनी ही डिलीशियस है। नवरात्रि व्रत के अलावा अगर आपका वैसे भी कुछ मीठा खाने को मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस नवरात्रि व्रत में और वैसे भी ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरा चैनल टेस्टी फूड बाय विभा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अगली नवरात्रि रेसिपी के साथ। बाय बाय।